है सब रे होटल सही कर हो रहा है नसीब नहीं हो रहा हमारे पानी नहीं हां चलो करंट का शुक्र हमारा क्या नाम है आपका मेरा नाम दिलीप कुमार गुप्ता हां दिलीप जी कितना पैसा आपका करीबन 11 लाख रुपए मेरे घर वालों का किस लिए दिया आपने भैया उन्होंने एक तो कमेटी चलाते थे वो छोटी मोटी और दूसरा क्या नाम है उन्होंने घर खरीदने के लिए लिया था उधार कि भैया हम दे देंगे आपको क्या नाम है आपका मेरा नाम मिथिलेश है आपका कितना रुपया है मेरा नाम 14 लाख रुपया है आपने किस लिए दिया था ओ उसने कही कि फ्लैट खरीद रही हूँ मैं मुझे कुछ दिन को उधार दे दो अच्छा दो बार में लिया कब से जानते आप उनको जिनको पैसा दिया है 25 साल है भैया रहते हुए खोड़ा में एक पास क्या नाम है आपका पिंकी वर्मा आपका कितना रुपया है 2 लाख है आपने किस लिए दिया था प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा उधार मांगी थी हाँ, 2-3 महीना में काम मैं दे दूंगी पैसा मुझे दे दो क्या नाम है आपका राधा रानी आपका कितना रुपया है 4 लाख आपने किस लिए दिया था उसने प्रॉपर्टी खरीदने के लिए मांगा था कि मुझे दे दो मैं 2 महीने में तुम्हारा वापस दे दूंगी मोनू मम्मी नहीं तो मेरे पैसे डूब जाएंगे आपका कितना है मेरा 8 लाख रुपए आपने किस लिए दिया था मेरे मुँह से बोली हमें दे दो मकान लेंगे मोनी मम्मी मैं किराएदार हूँ मुझसे ले ले मेरे मकान के पैसे रखे दो कमेटी पड़ी थी दो क्या नाम है आपका परमीला जोश बोलो परमीला कितना पैसा है आपका मेरे बेटी के 3.5 लाख रुपया है विधवा है हाँ विधवा है उसी को पैसा और दो को मेरा कमेटी 1 लाख की है एक कमेटी चला गया है 12 महीना एक कमेटी चला गया है 6 महीना मेरा नाम राम बाबू क्या नाम है आपका राम बाबू सिंह राम कितना पैसा है आपका मेरे सर 2 कमेटी पहली छूट गई उससे 6-6 लाख रुपए की वो मेरे मुझे वापस नहीं दी उसने नहीं दिया फिर मेरी दोबारा कमेटी उसने डाल ली बोली मुझे पैसे मैंने तुम्हारे मैं इसको डबल करके दे दूंगी ब्याज के तौर पर मैंने उसको पैसा उससे मांगने की बहुत कोशिश करी उसने पैसा वापस नहीं दिया मुझे और क्या नाम है जिसको ठगी जिसने ठगी किया है 2 लाख रुपए उसने मुझसे नगद मांग लिए क्या नाम है जिसने ठगी किया उसका लक्ष्मी है साधना इंकले में रहती है और अब वो यहाँ से चले कितने लोग रहते हैं उनके परिवार में उसके परिवार में एक तो बबलू है एक अनिल है उसके 2 भाई यहाँ पर रहते हैं परिवार समेत अच्छा और वो करते क्या है वो उनके लक्ष्मी के घर में क्या मतलब है क्या बिजनेस है उनका उसके पति जो है एक बिल्डिंग का काम करता है बनाने का ठेकेदारी का काम करवाता है और इसमें लक्ष्मी जो इसी डीलिंग का काम करती थी पब्लिक से पैसा लेना देना एक ठगी का मामला प्रकाश में आया है क्या है पूरा मामला सर थाना घोड़ा से कुछ लोगों ने शिकायत की है कि एक व्यक्ति है जो कि कमेटी के पैसे लेता था वो पैसे लेके वो भाग गया है इस संबंध में जांच कराई जा रही है जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई आरोप है सर उसने प्रॉपर्टी के नाम पर पैसा लिया है ठगी की ऐसी बात आई है अब इसमें जाँच करवा रहे हैं जो भी बात आएंगी जाँच उसके हिसाब से कर रही है।